हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आगामी टीजीटी एवं पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत कहां से प्रारंभ करना है? प्राचीन से आधुनिक, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है प्रारंभिक से हाल ही का। सी ऑप्शन है स्वैच्छिक से गैर स्वैच्छिक। या फिर डी ऑप्शन जानकारी से अनभिज्ञता। आंसर आप लोग क्लिक करिएगा, आप लोग स्कोरिंग करके भी बताइएगा 20 में से आप कितने क्वेश्चंस सही करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 राइट आंसर किसके साथ रिलेट कर जाएगा? यहां पे ए बी सी और डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी जल्दी आप लोग स्कोरिंग करना शुरू कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जानकारी से अनभिज्ञता की ओर के साथ रिलेट कर जाएगा, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 61 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है? जो मानव शरीर है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है वो बताना है आपको। 60 से 70% होती है, 80 से 90% होती है, 49 से 55% होती, या फिर डी ऑप्शन 40 से 50%। बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 62 नंबर का। मानव शरीर में जल की मात्रा का परसेंटेज आपको बता देना है। किस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग 62 का कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे बताइए। जल्दी जल्दी आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन जिसने भी क्लिक कर दिया 60 से 70% उसका हो जाएगा राइट आंसर। नहीं, ए उत्तर के साथ में राइट आंसर रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। हेपेटाइटिस के विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? जो हेपेटाइटिस है इसके विषाणु कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको बताना है। 8 टाइप्स 10 टाइप्स 6 टाइप्स या फिर 14 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें एक ऑप्शन आप लोग बढ़ा लीजिएगा, ई ऑप्शन को उसमें 5 कर दीजिएगा। अब बताइएगा यहां पे ए बी सी डी या फिर ई कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग राइट होगा। हेपेटाइटिस के विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और प्रैक्टिस सेट्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ई ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा, यानी 5 प्रकार के हो जाएंगे, यानी ई उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, फाइबर जो है यह कितने प्रकार का होता है बताइए। 64 नंबर, फाइबर कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या फिर 5 प्रकार का? बता दें हैं आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर क्लिक करिएगा। जिसको भी पेड ग्रुप से जुड़ना है कॉन्टेक्ट करके पेड ग्रुप से जुड़ सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी पेमेंट कराकर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा यहां पे, जिसने भी क्लिक कर दिया ए ऑप्शन उसका हो जाएगा सही उत्तर, यानी ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है, वसा का निर्माण जो है मुख्यतः कितने रासायनिक तत्वों से होता है? अब बताना है 65 नंबर का, जो वसा का निर्माण है यह मुख्यतः कितने रासायनिक तत्वों से होता है? 4, 3, 2 या फिर 1? बताना है आपको सही आंसर किस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। और कंटिन्यूटी आप लोग अवश्य बनाए रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति लापरवाही, पढ़ना कम कर दिए हैं, लेकिन उसको आप लोग कंटिन्यूटी में बना रखिए। अगर सफलता प्राप्त करनी है, क्योंकि सफलता का एक मूल मंत्र होता है कंटिन्यूटी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो 65 का तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन के साथ रिलेट कर जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कैल्शियम के स्रोत कौन से हैं? जो कैल्शियम है इसके स्रोत कौन से होंगे? दूध, अंडा, पनीर तथा सब्जियां या फिर डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 66 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैल्शियम के स्रोत
दूध से रिलेट करेगा, अंडा से रिलेट करेगा, पनीर तथा सब्जियां, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व है जो स्वास्थ्य संबंधित दक्षता का भाग नहीं माना जाता है, नहीं की बात की जा रही तो आप लोग आंसर बताइएगा इसमें कौन सा जो है दक्षता का तत्व भाग नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ, मांसपेशीय शक्ति या फिर डी ऑप्शन है प्रतिक्रिया समय। बताना है आपको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग। डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। जिसने भी राइट आंसर क्लिक किया है डी, उसका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 68 नंबर का क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधित दक्षता का प्रमुख घटक कौन सा है, यहां पे घटक बताना है। और जिसने भी अभी तक यूपी टीजीटी का फॉर्म सबमिट नहीं किया, फॉर्म आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अब लास्ट डेट आपकी नहीं बढ़ेगी। और फॉर्म जब आप लोग सबमिट करिएगा, थोड़ा ध्यान करके सबमिट करिएगा, क्योंकि उसमें संशोधन की कोई नई तिथि नहीं आनी है। स्वास्थ्य संबंधित दक्षता का प्रमुख घटक कौन सा होता है, कार्डियोवास्कुलर यानी इंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन, मांसपेशीय शक्ति या फिर डी ऑप्शन लचीलापन। 68 बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन चार नंबर को कैरी करेगा, 125 क्वेश्चन आएंगे और टोटल जो पूर्णांक आपका बनेगा 500 का बनेगा। तो बताना है इसका 68 नंबर का जो राइट आंसर होगा, कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस के साथ में रिलेट कर जाएगा क्वेश्चन नंबर 68, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 69 नंबर का क्वेश्चन है, एक साधारण व्यक्ति को एक घंटे में लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक साधारण व्यक्ति को एक घंटे में लगभग यानी नियर अबाउट कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, 1.3 कैलोरीज पर केजी ऑफ बॉडी वेट, 4.2 कैलोरीज पर केजी ऑफ बॉडी वेट, सी ऑप्शन है 9.1 कैलोरीज पर केजी ऑफ बॉडी वेट या फिर डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69 राइट आंसर आपका क्लिक होना चाहिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, डी ट्रिपल एसबी के पेपर में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 69 नंबर का आप लोग बताना है राइट आंसर क्या क्लिक करेंगे। और इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे, यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, पार्ट 11 से लगा करके पार्ट नंबर 353 तक सभी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो 69 नंबर का आपको राइट आंसर बता देते हैं, ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, 1.3 कैलोरीज पर केजी ऑफ बॉडी वेट के साथ में रिलेट करेगा, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 70 नंबर का, ओलिगोसैकेराइड्स में कितने मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं, जो ओलिगोसैकेराइड्स है इसमें कितने मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं, बताइए 70 नंबर का जो उत्तर होगा किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, 3 से 20, 3 से 10, 3 से 40 या फिर 3 से 25। बताना है आपको सही आंसर उत्तर क्या होगा। और 4 नंबर आपके कंफर्म होंगे अगर आपका राइट आंसर आ जाता है। आप लोग प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते रहिएगा, 125 क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस सेट आता है उसको भी लगाते रहिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 70 का, जो किसके साथ रिलेट कर, 3 से 10 के साथ में रिलेट करेगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जिसको भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है कॉन्टेक्ट करके पेड ग्रुप से जुड़ सकता है, 9621819209। सिर्फ और सिर्फ आपको 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी पेमेंट कराकर आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं या फिर अकाउंट के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट सेंड करेंगे आपको जो पीडीएफ है वो अवेलेबल करा दी जाएंगे, साथ में ग्रुप से भी ऐड कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपने देख लिया, बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसको भी ऐड होना है वो ऐड हो सकता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 71, अधिक समय तक या अधिक व्यायाम करने से असुविधा या कम हुई क्षमता को क्या कहते हैं, बताइए, जकड़ बोलते हैं, सोस बोलते, गहरी थकान बोलते या फिर डी ऑप्शन है थकावट बोलते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर के द्वारा जितने भी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, आपके यूपी टीजीटी डी ट्रिपल एसबी केबीएस एनबीएस
एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल सभी के लेबल्स के क्वेश्चन होते, बस लेबल होता है आपका टीजीटी और कुछ क्वेश्चन आपको पीजीटी लेबल के भी दिए जाते हैं, जिससे आपके दोनों एग्जाम्स में पैटर्न एक होता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका पीजीटी में चेंज किया जाता है। लेबल आपको वही मिलता है, बस क्वेश्चंस का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सिलेबस भी सेम रहता है, कुछ एक दो चैप्टर्स का डिफरेंस रहता है। 71 बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा, गहरी थकान के साथ में रिलेट करेगा। 71 का सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 72 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हृदय वाहिनी सहन क्षमता पुष्टि और एक स्वास्थ्य संतुलित जीवन का एक घटक है। 72 नंबर, और 5 मई से आप लोग का नया बैच शुरू हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, क्वेश्चन आप लोग अच्छे से रीड करिएगा, उसके बाद आंसर क्लिक करिएगा। तो आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आंसर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हृदय वाहिनी सहन क्षमता पुष्टि और एक स्वस्थ संतुलित जीवन शैली का एक घटक है। बहुत से बच्चों ने राइट आंसर क्लिक कर दिया होगा और कुछ बच्चे अभी भी राइट आंसर क्लिक करने के लिए सी बी ऑप्शन को भी उपयोगी मान रहे होंगे, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन वेरी सुटेबल होगा फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 73 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वजन घटाने का सबसे सुरक्षित और सबसे उपयुक्त तरीका है, बताइएगा। 73 नंबर का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, किस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं आप, और ऑप्शन सेंड करेंगे तो उससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व हो जाएंगे, और साथ में आप रीजनिंग से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिंदी से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चंस यहां पे पुट अप कर सकते हैं। सुपर टेट से रिलेटेड जो यूपी का होता है, केवीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, DSSSP में जो पेपर 1 होता है वहां से भी संबंधित आप क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पे क्या होगा, समझदारी से खाना और पर्याप्त रूप से कसरत करना, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 74, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है इसका कार्य क्या होगा, वसा की बचत करना, मल विसर्जन में सहायता करना, प्रोटीन की बचत करना, या फिर डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, बताइए। 74 नंबर जो होगा इसको किस ऑप्शन से आप रिलेट करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, यह किसी से गलत नहीं होना चाहिए। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का कार्य बताना है, पहला ऑप्शन है वसा की बचत करना, सेकंड दिया हुआ मल विसर्जन में सहायता करना, सी ऑप्शन है प्रोटीन की बचत करना, यानी डी ऑप्शन उपयुक्त सभी के साथ रिलेट कर जाएगा, डी उत्तर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये यूपी टीजीटी में पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट के प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं, बताइएगा इसमें स्रोत बताना है कौन कौन से हैं। अनाज है, फल सब्जियां हैं, चीनी चुकंदर है, कार्बोहाइड्रेट किससे रिलेट करेगा, उपयुक्त सभी के साथ में रिलेट कर जाएगा, यानी अनाज फल सब्जियां चीनी चुकंदर है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। 1 से 2 बार आप लोग वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक सामान्य व्यक्ति को शुगर तथा स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रत्येक दिन लगभग कितनी मात्रा भोजन में लेनी चाहिए, यह क्वेश्चन थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन आपको यहां पे क्लिक करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो 76 नंबर आप लोग बताइएगा कि कितनी मात्रा नियर अबाउट में लेनी चाहिए भोजन में, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम, या फिर आपका डी ऑप्शन है 300 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 76 आंसर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा तुरंत, जिसको भी ग्रुप से जुड़ना है कांटेक्ट करके ग्रुप से भी जुड़ सकता है, 500 रुपीज का पेमेंट है, बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 76 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहां पे डी के साथ में रिलेट करेगा। बुक्स में आपको अलग अलग मिल सकता है, लेकिन आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे डी उत्तर इसका
सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ग्लाइकोजन जो है ये कहां पर स्टोर रहता है, जो ग्लाइकोजन है ये कहां पर स्टोर रहता बताना है आपको। इसमें चार ऑप्शन है, लीवर में स्टोर रहता है, मांसपेशियों में स्टोर रहता है, ए व बी दोनों में, या फिर डी ऑप्शन है गुर्दे में स्टोर रहता है। बताइए आप 77 नंबर को किसके साथ में क्लिक करेंगे। और इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए अपलोड किया गया, उन सभी वीडियोस का लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। या फिर आप 9621819209 पर कॉन्टेक्ट करके भी प्लेलिस्ट का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो 77 नंबर का जो राइट आंसर होगा किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, ए व बी दोनों के साथ में रिलेट कर जाएगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी उत्तर सही होगा, लीवर में और मांसपेशियों में हो जाएगा ग्लाइकोजन का स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन है, हृदय रोग एक स्थिति है जिसमें रक्त वाहिनी या हृदय की मांसपेशी में रक्त प्लॉक के कारण ब्लॉक हो जाता है, यह ब्लॉक किसके कारण होता है, या जो ब्लॉक है यह किसके कारण होता है बताना है आपको 78 नंबर में। रेनिन के कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, टाइलिन के कारण होता है, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से सभी। 78 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्लिक करिएगा जल्दी से, क्योंकि थोड़ा सा आसान है थोड़ा सा टफ भी क्वेश्चन है। बताइएगा इनमें से सभी जितने लोग लगा रहे हैं आंसर वो गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका नहीं होगा। अब यहां पे बताना है आपको ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो 78 नंबर का जिसने राइट आंसर क्लिक कर दिया कौन सा, बी ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल उसका हो जाएगा सही उत्तर, यानी बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज के इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ावा देने के अपनी क्षमता के कारण आमतौर पर एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दवाओं का वर्ग क्या है, इन दवाओं का वर्ग बता देना है आपको, इनहेलेंट है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, या फिर आपका नार्कोटिक है, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। यहां भी आप लोग की स्क्रीन पर डी ऑप्शन शो हो रहा है, इसको क्लिक नहीं करना है, डी ऑप्शन हटा दीजिएगा। अब क्लिक करिएगा ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 79 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, किस उत्तर को आप राइट आंसर मानेंगे, अपनी कॉपी में आप लोग स्कोरिंग अवश्य करिएगा और कमेंट करके बताइएगा 20 में से आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। बस आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं आप एक से दो बार देखते रहिएगा, आराम से आपकी तैयारी धीरे धीरे होती जाएगी। एक साथ में आप कुछ भी नहीं सीख सकते, बस सीखने के लिए आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से एक टाइम टेबल सेट आउट करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 79 जो होगा यह किसके साथ रिलेट करेगा, एनाबोलिक स्टेराइड, यानी बी ऑप्शन जितने भी बच्चों ने क्लिक कर दिया है उनका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 80 नंबर का क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से इससे क्या प्राप्त होता है, विटामिन प्राप्त होते हैं, मिनरल्स प्राप्त होते हैं, सी ऑप्शन दिया हुआ ए व बी दोनों प्राप्त होते हैं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। इस वीडियो में आपके 80 क्वेश्चंस तक ही दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा, यानी विटामिन्स और मिनरल्स दोनों के साथ में रिलेट करेगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। और जिसको भी पेड ग्रुप से जुड़ना है कॉन्टेक्ट करके हमारे इस नंबर पर पेड ग्रुप से जुड़ सकता है। इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना होगा, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी पेमेंट कराकर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पेमेंट भी आप कर सकते हैं, 500 रुपीज का सिर्फ आपको पेमेंट करना होगा। तो एक बार इन क्वेश्चंस को हम रिपीट करा देते हैं जिससे आपको 20 क्वेश्चंस तुरंत याद भी हो जाए।
तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपने अभी देखा है, सी ऑप्शन होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होता है, विटामिन और मिनरल्स प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पर मूव करते हैं। मांसपेशियों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ावा देने के लिए देने के अपने क्षमता के कारण आमतौर पर एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दवाओं का वर्ग क्या होता है, यह होता है एनाबोलिक स्टेरॉइड होता है, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का। हृदय रोग एक स्थिति है जिसमें रक्त वाहिनी हृदय की मांसपेशी में रक्त ब्लॉक के कारण ब्लॉक हो जाता है, यह ब्लॉक किसके कारण होता है, तो यह किसके कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन कहां पर स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है ए व बी दोनों यानी लीवर और मांसपेशियों के साथ रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 76, एक सामान्य व्यक्ति को शुगर तथा स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रत्येक दिन लगभग कितनी मात्रा भोजन में लेनी चाहिए, तो नियर अबाउट 300 ग्राम के साथ रिलेट करेगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बुक्स में इसका आंसर वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कार्बोहाइड्रेट के प्राप्त के स्रोत कौन कौन से, ये स्रोत कौन से, अनाज हो जाएगा, फल सब्जियां हो जाएंगी, चीनी चुकंदर हो जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 74, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य क्या है, वसा की बचत करना हो जाएगा, मल विसर्जन में सहायता करना होगा, प्रोटीन की बचत करने, डी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, डी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 73, निम्नलिखित में से कौन सा वजन घटाने का सबसे सुरक्षित और सबसे उपयुक्त तरीका है, 73, समझदारी से खाना और पर्याप्त रूप से कसरत करना के साथ में रिलेट करेगा। 72 पर मूव करते हैं। क्या है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हृदय वाहिनी सहन क्षमता पुष्टि और एक स्वस्थ संतुलित जीवन का एक घटक है, तो इसका उत्तर जो रिलेट करेगा 72 नंबर का, समय की एक लंबी अवधि के व्यायाम को पूरा करने के लिए हमारे हृदय और फेफड़ों की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 71 पर, अधिक समय तक या अधिक व्यायाम करने से असुविधा या कम हुई क्षमता को क्या कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, गहरी थकान बोलते हैं, सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन, ओलिगोसैकेराइड्स में कितने मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं, 70 नंबर राइट आंसर होगा, 3 से 10 के साथ रिलेट करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 69 नंबर पर मूव कर जाते हैं, एक साधारण व्यक्ति को एक घंटे में लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, 69 नंबर राइट आंसर 1.3 कैलोरीज पर केजी ऑफ बॉडी वेट के साथ में रिलेट करता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 68, स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का प्रमुख घटक कौन सा है, तो स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का प्रमुख घटक कौन सा होगा, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के साथ रिलेट करता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। 67, निम्न में से कौन सा तत्व स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का भाग नहीं माना जाता है, 67 नंबर भाग नहीं माना जाता है, तो ये प्रतिक्रिया समय नहीं माना जाता, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 66 नंबर है, कैल्शियम के स्रोत कौन से हैं, बताइएगा कैल्शियम के स्रोत कौन से हैं, दूध अंडा पनीर तथा सब्जियां, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। 65 नंबर पर मूव करते हैं, वसा का निर्माण कितने मुख्यतः कितने रासायनिक तत्वों से हुआ है, तो वसा का निर्माण बताना है आपको, 3 तत्वों से हुआ, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 64 पर मूव करते हैं, फाइबर कितने प्रकार का होता है, जो फाइबर होता है ये कितने टाइप्स का होता है, ए ऑप्शन है 2 टाइप्स का होता है, ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस के विषाणु कितने प्रकार के होते हैं, ई ऑप्शन यहां पे आपको बताया गया था, 5 के साथ में रिलेट करेगा, ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता है। 62 नंबर, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, जल की मात्रा का परसेंटेज बताना है आपको, 60-70% के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत कहां से प्रारंभ करना है, तो यह सिद्धांत कहां से प्रारंभ करना है, जानकारी से अनभिज्ञता से हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी डी उत्तर के साथ में रिलेट करेगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा 20 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हुए हैं। और जिसको भी हमारे ग्रुप से जुड़ना है, 500 रुपीज का पेमेंट करके इस नंबर पर आप लोग ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि ये इस समय जो टाइम आपको मिला है ये पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा समय मिल गया है। आप लोग इसमें जिसकी भी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई थी वो लोग अच्छे से कर सकते हैं। उत्तराखंड LT ग्रेड आपका 25 अप्रैल का एग्जाम जो होना था वो भी कैंसिल कर दिया गया है, आप लोग के पास में भी समुचित समय बच गया है, आप लोग अच्छे से उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो नए वीडियो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।